हफ्ते के 7 दिन और एक दिन में मिलते हैं 24 घंटे। अगर हर रोज सुबह उठने की हमें उम्मीद चाहिए कि आज का दिन मैं अच्छा कैसे बनाऊं, आज के दिन मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाए, यानी सोचिए एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। यानी हर रोज सुबह अगर हम काउंट करें, एक साल का हिसाब लगाएं, तो टोटल हमें साल में 365 उम्मीदें चाहिए एक दिन को अच्छा बनाने के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम इस सोच को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, अलग कर दें कि आज का दिन मतलब मेरी बची हुई जिंदगी का पहला दिन, जस्ट इमेजिन उस दिन की वैल्यू अलग हो जाएगी। आपके सोचने से आपका दिन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि सारा कमाल यहां है। हाय, मेरा नाम जिया है, आप मेरे साथ ख्यालों वाली खिड़की में हैं, और आज का टॉपिक शायद बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक हो सकता है। आप अपना दिन अच्छा कैसे बना सकते हैं, हाउ टू बी हैप्पी इन अ डे, हर रोज खुश कैसे रहा जा सकता है। पर ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ सवाल है कि हर रोज खुश रहना क्यों है। अगर आप अपने आप को हर रोज खुश रहना है, हर रोज खुश रहना है ये प्रेशर देते रहेंगे, तो ये डिप्रेशन से कम नहीं है। खुश रहने की वजह क्यों चाहिए हमें? जब हम सुबह उठते हैं तो हम जिंदा है, क्या ये काफी नहीं है कि मैं आज का दिन देख पा रहा हूं, या मेरी आंखें, मेरे पैर, मेरे शरीर के सारे अंग बिल्कुल सही सलामत है, क्या ये वजह काफी नहीं है? Have you ever acknowledged this कि हम तो रात को घोड़े बेच के सो जाते हैं, लेकिन रात से लेकर सुबह तक का सफर ऊपर वाला सब कुछ कितना सही रखता है हमारे अंदर? हाँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी वजह नहीं है एक दिन को अच्छा बनाने के लिए, that I am alive for me, for my loved ones। मैं सांस ले सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं खुशियाँ मना सकता हूँ, मैं प्यार कर सकता हूँ, क्या इतनी वजह काफी नहीं है किसी भी इंसान के दिन को अच्छा बनाने के लिए? हमें हर रोज नया मौका मिलता है एक दिन को अच्छा बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया हासिल करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। और अगर इस सफर में थोड़ा पाना, थोड़ा खोना अगर पड़े, तो ये सब तो चलता रहता है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक सिंपल एग्जाम्पल, जब हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर अपने सिटी में एक रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो रास्ते में कई सारे बड़े बड़े बम्पर्स होते हैं, कई बार खड्डे होते हैं, कई बार कॉरपोरेशन का काम चल रहा होता है और हमें दिक्कत होती है, तो क्या हम अपने सफर पे जाना रोक देंगे? हम क्या अपनी गाड़ी छोड़ के साइड में बैठ जाएंगे? नहीं, हम कुछ भी करके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो सेम ये जिंदगी में है, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो हम कह देते हैं मेरा तो पूरा दिन ही खराब गया, है ना। हम एक दिन को एक टैगलाइन दे देते हैं, हर दिन सेम नहीं होता, किसी किसी दिन बहुत अच्छा फील होता है, किसी दिन बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। आपको ऐसा लगेगा कि आज तो मेरा पूरा दिन खराब गया, क्योंकि क्योंकि आपके हिसाब से वो दिन नहीं गुजरा, किसी ने आपके बारे में बोल दिया, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, आपके हिसाब से जो डेडलाइन पूरी करनी थी, जो काम आपको करना था वो नहीं हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, आज मौसम इतना खराब है, मजा नहीं आ रहा है, आज किसी से बात करनी थी हुई नहीं। पूरे दिन में अगर कुछ पल आपके अच्छे नहीं गए या कुछ घंटे अच्छे नहीं गए, उसकी सजा हम पूरे दिन को देते हैं। पूरे दिन को हम यही एनर्जी हमारी सोच में डालते रहते हैं, आज का दिन अच्छा नहीं, आज का दिन अच्छा नहीं, मतलब जाकर भी आपने खुद ही अपने आप को एक नेगेटिव ऑरा में बांध लिया कि आज का दिन तो अच्छा है ही नहीं। और फिर हम क्या सोचते हैं, जवाब है ना, आज नो दिवस बेकार है, तो अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। बस उस एक पल की वजह से हमारी किस्मत, हमारा दिन कैसे खराब हो सकता है? और किसी दिन उसका उल्टा होता है, किसी दिन कोई हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से बात करता है, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है, किसी दिन सबके सामने बॉस ने हमारी तारीफ कर दी, हाँ आज मेरा काम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया, आज मौसम बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह। और जिस दिन आप ऐसा फील करो, अपने आप के साथ कहो कि इट वॉज एन अमेजिंग डे, आज मेरा दिन दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन मेरा ही है,
ऐसी एनर्जीज अपने आप को दो, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ये कहना कि आज मैंने अपने दिन को बहुत अच्छा बनाया। Why can't we celebrate a small moment in a simple day? और मैं तो मानती हूँ कि सब कुछ यहाँ है। You can create your day. आपका दिन आपको नहीं बनाता, आप अपने दिन को बनाते हो। That's very very important. मेरी दादी मुझे हमेशा कहती थी बचपन में, कभी अफसोस के साथ ना दिन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और ना ही अफसोस के साथ दिन ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि फिर जो रात को हम अफसोस करके सो जाते हैं वही अफसोस फिर अगले दिन एक नेगेटिव एनर्जी बन के आपके दूसरे दिन को भी ख़राब करता है। सो अगर अच्छे दिन आपको खुशी देते हैं तो बुरे दिन आपको एक्सपीरियंसेस देते हैं, अनुभव देते हैं। मुश्किल डेज जो होते हैं वो आपको सिखा देते हैं, आपको लेसन सिखाते हैं। जो बेस्ट डेज होते हैं वो आपको यादें देते हैं, दैट मेमोरीज जो आप जब कभी भी उसे रिवाइव करो या जीना चाहो तो उन यादों के साथ आपका एक और दिन अच्छा बन जाए, है ना। सो डिजाइन योर डे एंड मेक द मोस्ट ऑफ टुडे। बेस्ट ऑफ लक।